सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तथा मिनी बहनों का आज की आंगनबाड़ी खबरों में स्वागत है। तो बहनों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बहनों आप लोगों को पता है कि कल 26 जुलाई थी, आज 27 जुलाई है। तो बहनों 26 जुलाई के दिन क्या आंदोलन हुआ, हड़ताल में कौन सी चीज़ें हुई, आपकी मांगों को कितना पूरा किया गया, उस चीज़ को हम आज वीडियो सहित दिखाएंगे यहाँ पे। पर अति आवश्यक सूचना में भी इन चीज़ों को पहले आप देख लें कि सभी कार्यकर्ता सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता बहनें जिनको एक बार फिर सूचित किया गया था कि सरकार ने जो हमारी मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनों पर नाइंसाफी की थी, 1500 रुपए जो इनके काट लिए गए थे। जी हां बहनों, यह मुख्य जो आंदोलन था वह इसीलिए था कि जो सहायिका बहनों को और मिनी कार्यकर्ता बहनों को शिवराज सिंह चौहान की सरकार के द्वारा 1500 रुपए बढ़ाने थे, उस चीज़ को मात्र 750 रुपए ही बढ़ाया गया। बहनों के लिए यह बहुत ही बड़ा मतलब धोखा दिया गया उनको कि 1500 बोल के 750 रुपए बढ़ाया गया। अब आज की इस महंगाई में बहनों आप ही इस चीज़ का फैसला लीजिए, आप ही बताइए बहनों कि आज की इस महंगाई में आंगनबाड़ी बहनें एक तो इतनी मेहनत करती हैं और उनको मात्र 750 रुपए का आप फीस बढ़ाते हो, मानदेय बढ़ाते हो, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो और साथ ही साथ जो एरियर था बहनों, पिछली सरकार ने जो 1500 रुपए का एरियर काटा था उसका भी यहाँ पे बात किया गया, उस चीज़ की यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो उस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और क्या क्या मांगे पूरी हुई हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो 1500 रुपए जो काट लिए गए थे वह भी अभी तक नहीं दिया गया था। तो सभी मांगों को लेकर बहनों 26 जुलाई को भोपाल में जो महारैली का आयोजन रखा गया था, जिसमें सभी बहनों से यह बोला गया था कि सभी बहनें अधिक से अधिक जनसंख्या में 25 जुलाई को ही रात से 8 बजे रेवांचल ट्रेन से भोपाल चलने की तैयारी कर लें, अभी से तैयारी कर दें। बहनों आप याद रखिएगा कि लड़ाई हम सब की है, आज तक जो कुछ भी मिला है हम सब की मेहनत से ही मिला है। आपके द्वारा जितनी हड़तालें की गई, रैलियाँ की गई हैं, भूख में परेशान होकर धूप में कितनी बहनों आंगनबाड़ी बहनों की तो मृत्यु भी भूख के कारण धूप के कारण हो गई थी। उज्जैन से यह घटना को भी मैंने कवर किया था, आपको बताया था। तो आपकी जब इतनी सब मेहनत के बावजूद आपको सरकार मानदेय न बढ़ाए तो आपको इस चीज़ में शामिल होना चाहिए था। और कितने लोगों की एक भारी भड़कम जो भीड़ है आंगनबाड़ी बहनों की, सहायिकाओं की, खास तौर से मिनी कार्यकर्ताओं की, तो उस वीडियो को हम दिखाएंगे आपको। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बहनों जो बहनें जर्नल में जाना चाहती थीं, या बोला भी गया था उनसे कि जो बहनें जर्नल में जाना चाहती वह जा सकती हैं, जो बहनें जर्नल में नहीं जा सकती वो अपने पैसे का रिजर्वेशन भी करा लेंगी और जर्नल के में जाने के लिए भी बैच की सुविधा पूरी रहेगी। लड़ेंगे तो जीतेंगे ज़रूर। अब यहाँ पे बहुत सी ऐसी बहनें थी जिनको सूचित किया भी गया था 26 जुलाई को, क्योंकि यह जो कार्यक्रम या हड़ताल या आंदोलन जो कुछ भी आप बोलें, इसे कोई रैली भी आप बोलें, तो यह एक राज्य स्तर की थी। जी हाँ, यह एक राज्य स्तर का कार्यक्रम था, भोपाल के नीलम पार्क में हुआ था। जी हाँ बहनों, नीलम पार्क में ही कल के दिन 26 जुलाई को जो है कि रैली बोलें या हड़ताल बोलें वह हुआ था, जिसमें से ज़्यादा कार्यकर्ता सहायिका तथा मिनी कार्यकर्ता बहनें एक बड़ी संख्या में वहां पे उपस्थित हुई थी। मुख्य मांगों में मैंने आपको कई पिछली वीडियो में बताया है कि जो मुख्य मांगें थी कि आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मानदेय में जो हुई विसंगति के साथ सरकार कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए, जो मानदेय में कटौती हुई थी वो दिया जाए, न्यूनतम वेतन और जो ग्रेचुटी को लेकर है, तो सभी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता बहनें इस कार्यक्रम के महत्व को समझें और बड़ी से बड़ी संख्या में भोपाल के कार्यक्रम में हिस्सेदारी लें, यह चीज़ बोली गई थी। तो बहनों ने अपनी ताकत को दिखाया है और अपनी मांगों के लिए उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। उनके लिए बहनों वहां पे पंडाल की व्यवस्था थी, पार्क था, पानी की व्यवस्था जरूर की गई थी, दिल्ली की तरह नहीं था, क्योंकि जब पिछली बार दिल्ली में बहनों का आंदोलन हुआ था उनके टेंट पंडालों को छीन लिया गया था, उखाड़ दिया गया था, पानी तक पीने की बहनों व्यवस्था नहीं थी। जो बहनें सोचिए कितने दूर दूर से दिल्ली गई थी, सभी राज्यों से, मध्य प्रदेश से भी खास तौर से गई थी, क्योंकि यहाँ पे मानदेय बहुत ही कम है। तो जिस प्रकार से बहनों ने
भीड़ के साथ वहां पे रैली का आयोजन किया था, तो सरकार को विवश होना पड़े इस बारे में, जो मुख्य सचिव हैं किशोरी वर्मा जी ने भी बात की है और उन्होंने क्या कुछ बोला है वो भी हम आपको आगे वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ की एक फ़ोटेज है, वीडियो रिकॉर्डिंग दो हमारे पास आई है, आंगनबाड़ी बहन के द्वारा ही भेजी गई है। जो बहनें वहाँ पर रैलियों में परेशान थीं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं वह चीज़ हम आपको बताएंगे। कई बहनें मिनी कार्यकर्ताएँ ऐसी थी जिन्होंने अपने मानदेय की फिक्र न करते हुए दो दिन की छुट्टी ली और भोपाल गई थी, क्योंकि आपको पता है बहनों अगले महीने से आचार संहिता लग जाएगा, जिसके बाद कोई भी बहन का जो मांग है वह प्रक्रिया रुक जाएगी। सरकार के पास भी यह बहाना रहेगा कि आचार संहिता लग चुका है तो हम आपका मानदेय या फिर जो भी आपकी मांगे हैं वह पूरी नहीं कर पाएंगे। तो बहनों का भी यही कहना था कि सरकार को यह ज़रूर बताना है कि लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा और वो हमारे परिवार को भरण पोषण के लिए हमको अपना मानदेय चाहिए, हम सब एक हैं। इंकलाब जिंदाबाद। आप सबकी साथी कमला तिवारी जो कि एकता यूनियन सिटी की मुख्य सचिव हैं। तो बहनों चलिए अब हम उस वीडियो को देखेंगे, लेकिन वीडियो को देखने से पहले बहनों आप लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपका मानदेय आपके क्षेत्र में कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों आप शेयर भी कर दीजिएगा। सकती हूँ वो आए और अपनी बात।